अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्सटेंशन लीड के बारे में, जिसके जो अगर इसमें कोई भी शू वगैरह लगाया जाता है तो इसकी ग्रिप अच्छे से नहीं करता। तो ये मेरे पास एक चार्जर है, मैं आपको इसे लगा कर दिखाता हूँ। बाज़ औक़ात ये चल जाता है, फिर उसके बाद खुद ही ये हिल जाता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है वो चार्ज भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इसे हम रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह दोस्तों, ये ऐसे ही हिल जाता है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि करंट वगैरह जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों, इसको हम एक तो रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मसला है वो ये है कि इसकी जो जिसमें आपका शू आकर ग्रिप होता है, वो जो चीज़ है वो साथ बिल्कुल मिल चुकी है। बिल्कुल बारीक सी पत्रियां होती हैं, जस्ट आपने इन पत्रियों को इस अंदाज़ से खोलना है कि ये जो सुराख है ये इनमें पूरी आ जाएं। तो आप दोनों साइड से दोस्तों इनको थोड़ा थोड़ा खोल देंगे। और इसके बाद आप वैसे ही इसे इन सुराख के अंदर फिट कर देंगे। तो दोस्तों, इसे मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। करंट इसमें आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।